हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग। तो कैसे चल रही गाड़ी गाड़ी मतलब पढ़ाई की, गाड़ी की बात की जा रही है फिलहाल। तो आपने क्लास शुरू किया तो क्लास में कई सारे क्वेश्चन हुए, सर चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप की बात की जाए या इस पेपर का नाम बदल के बाकी यूनिवर्सिटीज में प्रोस्पेक्टस इन चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रोस्पेक्टस इन चाइल्ड डेवलपमेंट बोलूँ या सर चाइल्ड ग्रोइंग अप बोलूँ या ग्रोइंग अप डेवलपमेंट बोलूँ, डजंट मैटर। फिर पेपर सबका कोर्स कंटेंट एक ही है। अब मैंने कहा इनके क्वेश्चंस भी करने, सर वी नीड टू डू द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और पेपर का फॉर्मेट नहीं पता, पेपर का वो नहीं ये भी नहीं पता, तो वी नीड टू डू, पढ़ाई करें या छोड़ दें। दिमाग में क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मतलब कई लोग परेशान है कि यार करना भी है या नहीं भी करना, मतलब वॉट टू डू। तो यहाँ क्लियर कर देता हूँ, पेपर किसी फॉर्म में आता है आपको सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेने, अगर ये क्वेश्चंस ऑन टिप है देन यू आर गोइंग टू क्रैक द पेपर इजिली। वो सिर्फ क्रैक नहीं करोगे, उतने नंबर आएंगे जो आपके ड्रीम मार्क्स हो सकते हैं, डेफिनेट द ड्रीम मार्क्स विल गोइंग टू कैच। अब कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, तो क्लास शुरू करते हैं। सर इतनी बातें मत करो, क्लास करो डेफिनेटली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग पहली बार आए चैनल को क्या करना है पता, आपको सब्सक्राइब करो, घंटे पर बारना भी कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर किसके, चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप के या पर्सपेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के या ग्रोइंग अप, सर अलग अलग नाम है पेपर के, आप अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब देख लेना, कोर्स कंटेंट डेफिनेटली एक ही है। तो मैंने आज इसलिए मेंशन कर दिया पेपर का नाम। तो यहाँ से शुरू होते हैं हमारे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमें प्रिपेयर करने हैं वो दिस टाइम। तो पेपर डेफिनेटली दो पार्ट में बढ़ेगा सर, शॉर्ट नोट्स फर्स्ट, द शॉर्ट नोट्स ये ऑन टिप होनी चाहिए। हाँ शॉर्ट नोट तो सर ऑन टिप चाहिए हमें, एंड देन विल कम टू द डिटेल क्वेश्चन। सर वो ऐसे टाइप क्वेश्चन जिनकी बात करती है, वो ऐसे टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, और किन बेसिक्स को ऑन टिप कर लेना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंस, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन में आ सकता है। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू बी द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इसका फर्क क्या होता है, कैसे समझेंगे, वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है आप लोग प्लीज देखें, ना समझ में आए इको ज्यादा हो तो मुझे बताना, दोबारा से डाल दूंगा। तो पहला टॉपिक जो हमें करना है दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कम टू द सेकेंड पॉइंट, सीरियसली ज्यादा टाइम में खराब करते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज मेंटल डेवलपमेंट। कई लोगों की नहीं हुई, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ किसका, तो आपने बोला मेंटल डेवलपमेंट द सेकेंड वन, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। द नंबर टू अब मेंटल डेवलपमेंट वो टॉपिक है जो पेपर में कंफर्म आता है, पहला हो गया अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द सेकेंड वो द मेंटल डेवलपमेंट। तीसरे की बात करते हैं सर, अब तीसरा सर इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, आई नीड टू डू दिस क्योंकि ये तो कन्फर्म पेपर में आता है, दैट इज पैकेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो आज यही बोलते हैं लोग, जो मर्जी बोलो डजेंट मैटर, आपको समझ आ जाए क्वेश्चन के, पैकेज बोलो प्याज बोलो, प्याज कुछ भी बोल रहे हो प्याज मत बोलना, बाकी सब ठीक है। तो पैकेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो हियर वी आर हैविंग भाई ये स्टेज क्या है, इसको कैसे करना है और क्या मैं इसको छोड़ सकता हूँ, नो आई कैन नॉट लीव दिस, एक कंफर्म पेपर मिलने वाला और मुझे ऑन टिप होना चाहिए। तो मैंने बोला भाई ये तीन हो गए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पैज इज कंप्लीट स्टेज। कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज मोरालिटी, कोलबर्ग मोरालिटी की बात है ना, मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट नोट है, कहीं कोलबर्ग मोरालिटी तो लिख दो तो मेन क्वेश्चन में आएगा, कन्फर्म होना चाहिए। तो मोरालिटी द फोर्थ वन वी आर हैविंग मोरालिटी, फिफ्थ वी आर हैविंग सोशल चेंज, ये तो ऑन टिप होगा आपके, सबको पता होगा सोशल चेंज आने आने, तो इसको करना सर डेफिनेटली सोशल चेंज, सोसाइटी, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की गई है, चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोइंग अप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म बनता है।
दैट इज सोशल चेंज। कम टू द नेक्स्ट वन, अर्बनाइजेशन। व्हाट इज अर्बनाइजेशन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे, समझने का तरीका क्या होगा, वो सारी चीजें ऑन टू पहुंची हैं। अर्बनाइजेशन एंड द लास्ट पॉइंट हियर वी आर स्टीरियोटाइप। अब जेंडर स्कूल जिसने पढ़ा हो उसको पता है स्टीरियोटाइप है, सोच जो परिपक्वता के साथ आती है, जिसमें हम दिमाग में चीज सेट कर लेते हैं कि अब ये काम ये बंदा ही करेगा, स्टीरियोटाइप। वो क्या हो गए, स्टीरियोटाइप। तो वी कैन नॉट चेंज नाउ, और द मेंटेलिटी वाज बीइंग फर्म, नाउ वी कैन नॉट चेंज इट। तो क्या हो गया सर, दैट इज स्टीरियोटाइप। तो ये थे शॉर्ट नोट्स जो आपको ऑन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं एसे टाइप क्वेश्चन की, वो भी हमें आने चाहिए, कंफर्म ऑन टिप होने चाहिए। तो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेटली फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट यू मीन बाय द मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्वेश्चन बनता है, कंफर्म है हमारे पास। व्हाट यू मीन बाय मोटर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। से एडोलेसेंस में आ सकता है हमारे पास, टीन एज में आ सकता है। हम बोले सर चेंजेस किसी बेस के आ सकते हैं, डेफिनेटली। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बोला सर बन गया हमारे पास, व्हाट डू मीन बाय मोटर डेवलपमेंट तो ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस इन एडोलेसेंस। सो व्हाट डू मीन बाय द मोटर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस इन एडोलेसेंस। सर किसकी, मोटर डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एडोलेसेंस में। तो एडोलेसेंस में ही हमें हाईलाइट करना पूरी तरह से मोटर डेवलपमेंट क्या है, मोटर नॉट मोरल, मोटर डेवलपमेंट। तो आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑन टिप हो गया होगा। जिन्होंने नहीं लिखे थे प्लीज स्क्रीन शॉट ले लेना, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। जब ये हो जाएंगे तो मैं इनके लिए स्क्रीन शॉट दे दूंगा। एंड दोज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ऑनलाइन सेशन, गाइस शुरू हो चुका है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे नंबर दिया गया है फॉर द नोट्स टू, एंड दीज ऑनलाइन सेशन एंड नोट्स आर नॉट फ्री गाइस, उसके लिए पे करना पड़ता है। यूट्यूब क्लासेस आपके लिए पूरी तरह फ्री हैं, जो आप चाहिए आपको मिलेगा। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट आर द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। आई रिपीट, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। So here we are coming to the next question. What are the main factors? I repeat the question. What are the main factors influencing social development of emotion? So I hope यहाँ पे question पूरा पूरा clear होगा, and students are going to clear these question as soon as it possible. Come to the very next question. What are the problems and dilemmas? What are the problems and dilemmas of adolescence? इस adolescence का basic phase बहुत important है। इसमें प्रॉब्लम्स और डेफिनेटली डाइलेमास क्या होते हैं बच्चे के, हाउ टू सॉल्व दम, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट।
व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड डायलेमास ऑफ एडोलेसेंस, हाउ टू सॉल्व देम। अभी डायलेमास क्या होता है? इट्स अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड वे यू नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। मतलब करूँ क्या क्या ना करूँ, दिमाग में 50 चीज आ रही है। अब उस सिचुएशन को एडोलेसेंस में कैसे सॉल्व करते हैं, क्या रीजंस होंगे, किन को फॉलोअप करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ देखनी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को घोट के पी जाना, पेपर में कंफर्म मिलेगा आपको। सो द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, किन चीजों को क्लियर करता है। तो पियाजे का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये आपको करना है, पेपर को पढ़ने से सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी आर हैविंग द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये मैंने मेंशन की थी जब मैंने वहाँ पे मोरलिटी की बात की थी। आई होप आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया था, नहीं दिया तो यहाँ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कन्फर्म पेपर मिलेगा। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज Kohlberg theory of moral development। I repeat, what is Kohlberg theory of moral development? इस क्वेश्चन को आप ऑन टिप करेंगे गाइस, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चांस भी नहीं लेना इसमें आपने। Come to the next one. Describe Erikson's psychosocial theory of development. Erikson's psychosocial theory of development. Describe Erikson's psychosocial theory of development. And now come to the next question, जो पेपर के पॉइंट से बिल्कुल हल सट के, लेकिन सर हाँ ये कंफर्म मिलने वाला है पेपर में। कह रहा है कमेंट ऑन द रोल ऑफ स्कूलिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कमेंट ऑन द रोल ऑफ स्कूलिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो हियर वी आर हैविंग comment on the role of schooling in the development of children. Come to the almost second last or third questions. What do you mean by society? So society ko highlight kiya humne abhi. Discuss what do you mean by the society. Explain the role of society in the process of socialization. To yahan question banta hai hamara. What is the role of society in the process of socialization second last question almost 10 questions I have wrote for you What is urbanization? Discuss the basic feature of urbanization in India's development. अभी urbanization क्या है? हमने वहां देखा था urbanization question था। अब उसका role in India's development.
तो ये हम क्लियर करते हैं, व्हाट इज आर्मेशन ओ, व्हाट इज एंड इट्स रोल इन इंडिया डेवलपमेंट द लास्ट क्वेश्चन. सिर्फ 10 जो मैंने बोला था कि सिर्फ 10 क्वेश्चन होंगे. नाउ विल कम टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट यू मीन बाय मार्जिनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. मार्जिनलाइजेशन, अब मार्जिनलाइजेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है. Educational marginalization what are its causes and how can be overcome तो ये थे वो क्वेश्चन जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स. अब सर के इनके अलावा भी कुछ करना होगा, मतलब दिमाग में कैसा चीज चल रही है, कुछ और भी करें या इतना मोर देन इनफ है. तो चॉइस एंटायरली योर्स गाइस. क्वेश्चंस पहले आप ही करेंगे, उसके बाद कुछ और पकड़ेंगे. मोर वीडियोज और एनी शॉर्ट ऑफ सजेशन और कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स आपके पास है. तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय गाइस.